जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर करीब 2 साल से संघर्ष विराम जारी है। भारत ने इस वक्त का इस्तेमाल नागरिकों की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए किया। इसके तहत पुंछ जिले में एलओसी के नजदीक इलाकों में 13,000 से ज्यादा शेलिंग प्रूफ बंकरों का निर्माण किया गया है। इन बंकरों को पाकिस्तानी गोलीबारी के दौरान इस्तेमाल किया जा सकेगा। पहले पाकिस्तानी सेना द्वारा लगातार गोलीबारी के कारण इन बंकरों का निर्माण धीरे धीरे चल रहा था, पर संघर्ष विराम के बाद अब इसे तेज कर दिया गया है। पुंछ सबसे ज्यादा गोलीबारी प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक एलओसी के पास के इलाकों में 15,000 बंकर बनाने की मंजूरी दी गई है। ज्यादातर बंकरों का निर्माण कर लिया गया है, बाकी बंकरों को भी जल्द बना दिया जाएगा। आपको बता दें, ये बंकर पाकिस्तान की किसी भी गोलीबारी का सामना कर सकेंगे। बंकरों में आमतौर पर डबल आरसीसी स्लैब होता है, जो 5 फीट रेत और मिट्टी से ढका होता है, ताकि गोले अंदर ना जा सके। बंकर 2 तरह के बन रहे हैं, परिवार के लिए फैमिली बंकर, दूसरा बड़ा सामुदायिक बंकर है, जहां गोलीबारी के दौरान कई परिवार एक साथ शरण ले सकते हैं। प्रत्येक सामुदायिक बंकर की क्षमता 40-50 लोगों की है। फैमिली बंकर में 8 से 10 लोग रह सकते हैं। साल 2022 में बीते 10 साल में सबसे कम जवान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान भारत के इस कारनामे से पूरी तरह हैरान है और एलओसी पर पाकिस्तान की जमीन अब हिलने लगी है। इंडिया फर्स्ट, पब्लिक फर्स्ट न्यूज। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।